एक लैंग्वेज पकड़ो, उसके अंदर बहुत अच्छे हो जाओ। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी भी दूसरी लैंग्वेज पे जाना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम आसानी से कर पाओगे। प्रोग्रामिंग मैथ की जैसी है, प्रोग्रामिंग हिस्ट्री नहीं है, उसको हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो। सिर्फ कॉम्पिटेटिव या DSA नहीं करना है 4 साल, वी नीड टू प्लान आर जर्नी, देन अ लॉट ऑफ आर टाइम शुड गो इनटू, जो तुम्हारा मन करता है वो कर लो, बट कुछ डेवलपमेंट करो, बिकॉज दैट इज द रियल कंप्यूटर साइंस जो तुम्हें कंपनीज में जाके करना है। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। यार इस वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड, या मैंने देखा है कि मेरे आसपास जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिसकी जो बेसिकली आई थिंक ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव एन अमेजिंग करियर इन टेक। सो आई टॉक अबाउट 11 सच मिस्टेक्स आई हैव ट्राइड टू सम अप ऑल पॉसिबल थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग एंड दैट मोस्ट ऑफ पीपल डू गेट रॉन्ग, ताकि हम अगर इनको अवॉइड करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। So I'll talk about 11 things. So do stay till the end. एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर तुम वीडियो देखोगे और भूल जाओगे उसके बाद तो कोई फायदा नहीं होगा। So I'll strongly recommend कि जो भी बोल रहा हूं if possible उसको लिख लो, अगर हो पाए तो अपने डेस्क के सामने लगा लो कि यार मुझे ये नहीं करनी है, ये तुम्हारी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि मुझे इन इन चीजों का ध्यान रखना है। Some of these, if you just get them right once, you will be fine. So make a checklist of it. कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ पक्के से बहुत फायदा होगा तुम्हें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। So I think the first mistake that almost everybody makes when they start college, उनको लगता है यार फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मुझे सी पढ़ा रहे हैं, सेकेंड में मुझे शायद C++ या जावा पढ़ाएंगे, थर्ड में मुझे कभी पाइथन पढ़ा देंगे, तो ऐसे ही सीखनी होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग सीखने में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में थोड़ा फर्क है। अगर तुम अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख लेते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान चीज़ होती है। सो हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, हमें लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एक लैंग्वेज पकड़ो, कौन सी, C++ जावा पाइथन में से कोई भी एक पकड़ लो, एक लैंग्वेज पकड़ो उसके अंदर बहुत अच्छे हो जाओ। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी भी दूसरी लैंग्वेज पे जाना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम आसानी से कर पाओगे। सो फर्स्ट मिस्टेक दैट एवरीबडी मेक्स इज फर्स्ट सेमेस्टर में सी, सेकेंड में C++, थर्ड में जावा, एंड दे फील लाइक कि वो तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड मिस्टेक, अगेन वेरी वेरी कॉमन, प्रैक्टिस नहीं करते यार। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्या मतलब है इस बात का? इट्स बेसिकली लाइक मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि क्रिकेट खेलना सीख लो बट ग्राउंड में नहीं जाना, घर पे बैठे क्रिकेट खेलना सीख लो। हो सकता है क्या ऐसे? मतलब मैं तुम्हें बेसिकली मैथ पढ़ाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कॉपी पेन नहीं दे रहा कि लिखे बिना करो, कैसे होगा? प्रोग्रामिंग मैथ की जैसी है, प्रोग्रामिंग हिस्ट्री नहीं है, उसको हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो। कई जगह पे कॉलेजेस में उसको थ्योरी की तरह पढ़ाते हैं, बहुत ही गलत है। ठीक है, तो अब कॉलेज जैसे कर रहे हैं करने दो, बट तुम्हें ये बात समझनी है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, है ना, हमें करके देखना है। दैट इज दी ओनली वे यू विल लर्न प्रोग्रामिंग। थर्ड पॉइंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये गलती मैंने तो बहुत बार की है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है मेरा जब थर्ड सेमेस्टर आया था तो मैंने डिसाइड किया था इस सेमेस्टर में मैं ना अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखूंगा जावा में। सो सिमिलर, पहली वाली मिस्टेक जैसी गलती है, बट इस बार तो मैं जावा में एकदम स्टार्ट हो जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये है, कैसे होऊंगा? तो अच्छा चल ठीक है, ये वाली बुक उठा लूंगा और ये बुक पढ़ लूंगा, हर्बर्ट शील्ड की एक बुक आती थी, वो बुक मैंने खरीद ली कि अब मैं एकदम स्टार्ट हो जाऊंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पहले दिमाग नहीं लगाया कि ये तरीका सही है या नहीं है, बस ये अचीव करना है उसके लिए एक तरीका मिला, दिमाग नहीं लगाया कि वो तरीका सही भी है या नहीं है। सो तुम किस रिसोर्स से जो तुम्हारा गोल है वो अचीव करोगे उसके बारे में पहले सोचो। उस जो रिसोर्स है उसमें क्या क्या होना चाहिए। यू शुड मेक श्योर कि उस रिसोर्स के थ्रू तुम प्रैक्टिस कर पाओ। यू शुड मेक श्योर कि उस रिसोर्स के थ्रू तुम्हारे जो भी डाउट्स हों, अगर तुम कहीं पे स्टक हो रहे हो तो तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए एंड यू आर एक्चुअली एबल टू लर्न, ये थोड़ा पहले सोच लो। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कब होती है, हम सीखना शुरू करते हैं, मैंने बुक पढ़नी शुरू करी, एक महीना पढ़ी, आई रियलाइज कि अरे ये तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, प्रैक्टिस हो नहीं रही है, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो डाउट्स आ रहे हैं, अब कोई सिखाने के लिए है नहीं है, तो फंस गया मैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो आंसर क्या निकल के आता है, अच्छा चल छोड़ ये तो बकवास तरीका है, कोई और नया तरीका ढूंढता हूँ, फिर से दिमाग नहीं लगाऊंगा कि क्या तरीका है, चल यूट्यूब वीडियोज देखनी शुरू कर देता हूँ, चल कुछ और शुरू कर देता हूँ। एंड हम
ये एक एक महीने अगर दो बारी हो जाए, तीन बारी हो जाए, तो लगता है अरे यार ये सब बकवास है, मुझसे तो नहीं होगा, छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करूंगा, अब तो सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले एंड एग्जाम। यहीं पर अगर मैंने शुरू में एक हफ्ता लगाया होता और मैंने सोचा होता कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैं उनको कैसे सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्या डिफरेंट रिव्यूज हैं, कहाँ से मैं कर पाऊंगा, एक्चुअली कर पाऊंगा, क्योंकि 6 महीने खराब नहीं होने चाहिए, है ना, 8 महीने खराब नहीं होने चाहिए, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रियली थिंक अबाउट दैट। सो पहले हम ये सोचेंगे और फिर हम उसको कमिट कर देंगे, फिर हम हर महीने जाके सोचेंगे नहीं कि कोई और ऑप्शन है क्या, एक बार सोच लिया अब उसको कमिट करके उससे अच्छे से सीखेंगे, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, देखो अकेले सीखना जब तुम्हारे आसपास सब चिल मार रहे हैं बहुत मुश्किल होता है ना, तो यू शुड आइडली ट्राई टू, एंड आई एम नॉट सेइंग ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो चिल मार रहे हैं, ऐसे दोस्त बिल्कुल होने चाहिए, बट जो तुम्हारा गोल है ट्राई टू हैव अ ग्रुप जिसके सिमिलर गोल्स हैं, जो सिमिलर चीजें सीखना चाहता है, ताकि अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तुम किसी से बात तो कर पाओगे, अगर तुम कहीं पर तुम्हें थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो कोई तुम्हारी हेल्प तो कर पाएगा, अदरवाइज तुम्हें क्या लगेगा ना तुम्हारे आसपास सब लोग चिल मार रहे हैं तुम अकेले कर रहे हो, यू विल कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ मैं क्यों कर रहा हूं, कोई और तो कर नहीं रहा है, फालतू में इतनी फाइट मार रहा हूं, फालतू में बहुत सारा टाइम लगा रहा हूं, सब चिल मार रहे हैं, मैं भी द एक्स्ट्रा मूवी देख लेता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं ये। बट अगर आसपास 4-5 लोग यही कर रहे हैं, सब एंथु में, तो एक दूसरे को पुश करोगे, एक दिन तुम्हारा मूड थोड़ा डाउन होगा यार मैं क्यों कर रहा हूं, तो कोई और तुम्हें पुश कर देगा, किसी और का मूड डाउन होगा तुम पुश कर दोगे, सो इवेंचुअली एज अ ग्रुप यू विल डू बेटर, है ना, सो ट्राई टू हैव दिस स्टडी ग्रुप। सो दिस वॉज आवर फोर्थ पॉइंट, फटाफट से बताता हूँ एक बार दोबारा से, C++ जावा है ना, हर सेमेस्टर में चेंज करने की जरूरत नहीं है एक लैंग्वेज। सेकंड मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है, मैथ की तरह ट्रीट करना है, हिस्ट्री की तरह नहीं करना। थर्ड मैंने बोला पहले रिसोर्सेज डिसाइड कर लो। फोर्थ मैंने बोला स्टडी ग्रुप हमें हमारा बना लेना चाहिए, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अगेन आई थिंक मैंने नहीं की थी ये गलती, बट बहुत ज़्यादा आजकल मैं देखता हूँ मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, 4 साल तक सिर्फ DSA करते रहेंगे, सिर्फ कॉम्पिटिटिव करते रहेंगे। यार JEE की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो इसको, ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो कि 2 साल के बाद एक एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है बस, 4 साल के बाद कंपनी आएगी उसकी तैयारी करनी है सिर्फ, सीख लो ना कुछ। मैं बता रहा हूँ अगर तुम अच्छे से डेवलपमेंट भी सीख, आई एम नॉट सेइंग DSA मत करो, डेटा चर मत करो, कॉम्पिटिटिव मत करो, बट यार 4 साल करने की जरूरत नहीं है, 6-8 महीने कर लो, साल कर लो, उसके बाद रियल कंप्यूटर साइंसेस डेवलपमेंट, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, यही करना है कंपनी में जाके, तो वो करो ना यार, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। सो वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग टू नोट दैट फिफ्थ पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सिर्फ कॉम्पिटिटिव या DSA नहीं करना है 4 साल, वी नीड टू प्लान आर जर्नी दैट वी विल स्पेंड सम टाइम DSA करेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव करेंगे, देन अ लॉट ऑफ आर टाइम शुड गो इन टू डूइंग डेवलपमेंट, दैट कैन बी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, जो तुम्हारा मन करता है वो कर लो, बट कुछ डेवलपमेंट करो, बिकॉज दैट इज द रियल कंप्यूटर साइंस जो तुम्हें कंपनीज में जाके करना है, ठीक है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सिक्स्थ पॉइंट, क्या होता है हम सब सोचते हैं हमें अमेजिंग नौकरी चाहिए, अब यार फर्स्ट ईयर में आए हो, नौकरी तो 4 साल बाद लगनी है, इतना मोटिवेशन हम में से किसी में है नहीं कि 4 साल के बाद कुछ होना है उसके लिए मैं आज से मोटिवेटेड होकर तैयारी कर लूं। कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, बट मोस्टली लोग, आलस बहुत बड़ी चीज होती है, मोस्टली लोग सोचते हैं अरे यार 4 साल बाद है ना, एक सेमेस्टर चिल मार लेता हूँ, 2 सेमेस्टर चिल मार लेता हूँ, 3 सेमेस्टर चिल मार लेता हूँ, है ना, हर सेमेस्टर में ये लगता है अरे अभी तो 3 साल हो रहे हैं, अभी तो 2 साल हो रहे हैं, और तुम चिल मार लेते हो और कुछ नहीं सीखते हो। माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, हैव अ गोल कि मेरे को फर्स्ट ईयर के बाद किसी प्रोफेसर के साथ कुछ रिसर्च इंटर्नशिप करनी है, या मुझे किसी कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, या मुझे फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर मैं अपना DSA बिल्कुल एकदम स्ट्रांग कर लूंगा, समर ब्रेक में मैं कॉम्पिटिटिव एकदम फोड़ दूंगा, मैं अपनी रैंक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करूंगा। हैव दीज शॉर्ट टर्म गोल्स, दे विल मेक श्योर, एंड डोंट फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म वन, फोकस ऑन दीज शॉर्ट टर्म वंस, जल्दी आने वाला होगा, तुम ज़्यादा फोकस कर पाओगे, तुम अच्छे से काम कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हैव शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर yourself। सेवेंथ पॉइंट, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अभी तक जो मैंने बोला उसको उल्टा करते हैं, क्या डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट, DSA एल्गोरिथम नहीं करना है, अरे कंप्यूटर साइंस तो डेवलपमेंट होता है, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम तो सीधा डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, रियल कंप्यूटर साइंस आई स्टिल से एक्चुअल काम जो हमें इवेंचुअली करना है वो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वेब डेवलपमेंट पे काम करना है, एंड्रॉइड पे काम करना है, बट यार वो फाउंडेशन बनानी जरूरी है, डेटा से एल्गोरिथम की फाउंडेशन बनानी जरूरी है, वो नहीं बनेगी अगर तो तुम अच्छे वेब डेवलपर भी नहीं बन पाओगे,
तुम कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होगे, तुम जो कोड लिख रहे होगे वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मैं अच्छा करूं, है ना। तो तुम जब कोड लिख रहे होगे तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे होगे। फाइनली जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो डी एस एल्गो के ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, तुम वो नहीं कर पाओगे। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द राइट पाथ। पहले डी एस एल्गो करेंगे, फिर उसके बाद वेब डेव या कोई और टाइप का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ द एट्थ पॉइंट इज दैट वाइल वी आर डूइंग डेवलपमेंट वी नीड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। अगेन, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। 50 प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं, 50 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं, 2 या 3 बढ़िया अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। एक भी बनाओगे तो चलेगा, बट अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। सो बिल्ड अ गुड प्रोजेक्ट, 2 कर लो 3 कर लो, 1 से 3 आई थिंक इज अ गुड नंबर, 2 इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ गुड नंबर, आइडियल नंबर। अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ जिससे कि तुम वो सब जो तुम बना रहे हो, जो तुम पढ़ रहे थे, वो सब एक्चुअली सीख जाओगे, उससे ही एक्चुअली सीख पाते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट करते टाइम प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो ये गलती हमें नहीं करनी है। 9th पॉइंट, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना है, बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम उसको डिप्लॉय करोगे तुम्हारे पास एक लिंक आ जाएगा, अरे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मैं बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में इतनी एक्साइटमेंट आएगी, अरे मैं अपने सारे दोस्तों को दूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को दूंगा, मैं पता नहीं किस किस को दूंगा कि अरे भाई यूज करना, मैंने देख कितनी अमेजिंग चीज बनाई है। तुम्हें फीडबैक मिलेगा, तुम इंप्रूव करोगे, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव करेंगी। तुम्हारे रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तुम उसके अंदर वो लिंक डालोगे, मैं बता रहा हूं उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। सो सिर्फ प्रोजेक्ट बना के नहीं रुकना यार, सारा काम तो कर लिया ना, बना लिया प्रोजेक्ट, अब इसको डिप्लॉय भी कर दो, लास्ट के 5-10% में आके क्यों आलस कर रहे हो, उसको करो अच्छे से, उसको डिप्लॉय करो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जो पहले हमने डीएसए किया है ना उसको भूलना नहीं है, उसके साथ टच में रहना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले डीएसए को करते हैं, फिर वेब डेवलपमेंट या कुछ और कर रहे हैं और उसको तो भूल ही गए, वो तो हम कर ही नहीं रहे। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है, हफ्ते में अगर तुम 5 घंटे भी दे दोगे, तुम बोल दोगे यार मैं आधा सैटरडे दूंगा इसको, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। तुम्हें लगता है तुम रोज 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट स्टे इन टच विद डीएस एल्गो और थ्रू वाया कॉम्पिटेटिव वेबसाइट्स कि मैं हफ्ते में एक कॉम्पिटिशन दूंगा। डू समथिंग लाइक दिस, दिस विल मेक श्योर दैट यू स्टे इन टच विद वट एवर यू हैव लर्नड, राइट। जो भी तुम अभी कर रहे हो उसके साथ इसके ऊपर भी तुम फोकस कर रहे हो, बिकॉज इवेंचुअली एज आई सेड कंपनीज जब आएंगी तो ये कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे तुमसे, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये गलती जनरली हम पहले 2-3 साल में, हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फाइनल ईयर में आके हमें इसकी बहुत दिमाग ध्यान से करना है कि यार इंटरव्यूज आ रहे हैं तो इंटरव्यूज के लिए स्पेसिफिकली कुछ तैयारी करने की जरूरत है, तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। अब जब हमने इतनी मेहनत की है, अब जॉब तो अच्छी निकालेंगे ना, जॉब अच्छी क्यों नहीं निकालेंगे, पूरी फाइट मारेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर हो पाए तो हमें मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, हमारे टेस्ट होंगे, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, बट टेस्ट के अंदर एक क्लॉक चल रही होगी हमेशा, क्या हमें उसकी आदत है, तो हमें टाइम टेस्ट देने चाहिए। मॉक इंटरव्यूज दो, टाइम टेस्ट दो। हमें पेपर पे कोड करना होगा, लैपटॉप पे नहीं करना होगा बहुत सारे इंटरव्यूज में, तो पेपर पे कोड करने की आदत डालो। अब सिर्फ हमें कोड चलाना नहीं है, हमें एक्सप्लेन भी करना है ना, तो इंटरव्यू को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कभी कभी बहुत टेंशन हो जाती है उस बात की यार, कि इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी या मुझे समझाना पड़ेगा, मैं समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, तो उसकी आदत डालो। जब तुम लिख रहे हो, जब तुम कोड कर रहे हो, तो उसको बोलो। अगर तुम खुद भी बोलोगे ना, कोई भी नहीं है सामने, तब भी इट विल बी रियली हेल्पफुल। सो डू दैट, एंड अलॉन्ग विद दैट देर आर फ्यू मोर टॉपिक्स लाइक ओएस, डीबीएमएस, जो इंटरव्यूज के लिए चाहिए, उनको रिवाइज कर लो, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होता है, उनको रिवाइज कर लो बस। मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, 11 है, बहुत सारी है, बट मैं बता रहा हूं, अगर अब तुम ये वीडियो तुमने देख ली और अब इसके बाद तुम इसका कुछ नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा, तुम सेम गलतियां करोगे, पक्का बता रहा हूं। सो प्लीज राइट इट डाउन, दोबारा देखनी है एक बार वीडियो, दोबारा देख लो, लिखो, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तुम एटलीस्ट जो पूरी मेहनत कर रहे होगे वो सही डायरेक्शन में जा रही होगी, और इन गलतियों की वजह से हमारी मेहनत खराब नहीं होगी। ओके, आई होप जो मैंने बोला तुम्हें समझ में आया, तुम्हें हेल्पफुल लगा, अगर लगा
तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. अगर तुम्हें लगता है मैंने कोई गलती मिस कर दी है जो तुम्हें लगता है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करो. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. शेयर द वीडियो एज मच एज यू वॉन्ट, एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. थैंक यू.